हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंतहाई अहम सवालात जो के तकरीबन टेस्टों के अंदर आते हैं, और आप सबको जो भी गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो उन लोगों को ये जनरल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की होनी चाहिए, ठीक है। और बहैसियत पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ हर जो है ना स्टूडेंट्स को या हर कैंडिडेट को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, ये अहम सवालात। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि यार, मैंने फेसबुक का पेज बनाया हुआ है और ये मेरा फेसबुक का पेज है मुकीत गौरी.official, ठीक है। तो आप फेसबुक पर लिखें सिर्फ मुकीत गौरी, आपको मेरा पेज ये जो है वो मिल जाएगा। अगर वहाँ फेसबुक पे नहीं मिलता तो मेरी जो है वो इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरा ये पेज का लिंक होगा, वहाँ से आगे पेज लाइक कर सकते हैं। तो यार, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरा पेज फेसबुक का आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1000 मुझे लाइक चाहिए अपने फेसबुक पेज के ऊपर, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो मुझसे आप डायरेक्टली 1-to-1 मुझसे आप यहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपके सारी क्यूरीज का और सारे मैसेज का आपका रिप्लाई करने की यहाँ पे भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैं रिप्लाई नहीं कर सकता वहाँ पे, तो इंशाल्लाह इसी वजह से मैंने फेसबुक का पेज बनाया है। तो मुकीत गौरी का ये पेज है, इसको आप लाइक करते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात मैं कर रहा था, तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ये कि आप पहला सवाल देखें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये पता, ये तो जाहिर बातें पता होगा 1992 के अंदर। फिर है नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ये तो उर्दू है। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान हॉकी है। पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है, ये देवदार है। और इसी तरीके से जो है वो नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का चकोर है। और नंबर 6 है हु इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल हैं। और इसी तरीके से नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मारखोर है। और विच इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 है हु कंपोज द वर्सेस ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम, ठीक है। तो हफीज जालंधरी ने जो है वो पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। इसी तरीके से जो है वो 10 है, नंबर 10 सवाल है व्हेन पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अपना एटमी धमाका पहला किया था 28 मई 1998 को, और चागी डिस्ट्रिक्ट चागी में, ठीक है ना। और इसी तरह से 11वां सवाल है वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज सेटअप, ठीक है। पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन जो है वो कहाँ पे पहला स्टेशन सेटअप हुआ है, कराची के अंदर है। टीवी स्टेशन जो है वो आपका लाहौर में है। इसी तरीके से नंबर 12 है व्हेन पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कब जो है वो हमारा कौमी तराना अप्रूव किया था, वो 1954 को जो है वो अप्रूव किया था। इसी तरीके से है हमारा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को LOC कहते हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को धुरंधर लाइन कहते हैं, और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसी तरीके से इसका इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर की लेंथ पूछ रहा है, तो ये 861 किलोमीटर है। इसी तरीके से आप नंबर 14 पे आ जाएं, तो नंबर 14 पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ गौरी 1 मिसाइल, कि गौरी मिसाइल की रेंज क्या है, 1500 किलोमीटर, ठीक है। जहाज चराज की 1500 किलोमीटर जो है वो रेंज है गौरी मिसाइल की। नंबर 15 है व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। दिसंबर 1989 को फर्स्ट जो है वो वुमेन्स बैंक जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरीके से आप हम चलते हैं 16 पे, तो द लार्जेस्ट जंगल ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा जंगल पाकिस्तान का कौन सा है, वो झंगा मंगा है। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज, क्या उसका नाम था, रैबर था, ठीक है। नंबर 18 है आपका हु कंपोज द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो अब्दुल करीम चगला है, उन्होंने की थी पाकिस्तान की ट्यून जो है वो कंपोज करी थी। नंबर 19 है विच इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 20 है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड एट कराची के अंदर, जो है वो पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर जो है वो पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और नंबर 21 है द ग्रेटेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान रानी कोट फोर्ट इज सिचुएटेड नियर हैदराबाद के, जो है वो करीब है रानी कोट फोर्ट,
ठीक है। और नंबर 22 है, विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑन पाकिस्तान, कौन सी जो है वो पाकिस्तान की जो है फसल है जो कि बड़े लार्जेस्ट एरिया के ऊपर जो है वो कास्ट की जाती है, उगाई जाती है, वो है आपका वीट, ठीक है। नंबर 23 है आपका द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन पब्लिक सेक्टर में, जो है सबसे बड़ा बड़ेस्ट यूनिट किस चीज का है, वो है पाकिस्तान स्टील मिल। इस तरह से नंबर 24 है, वेन फर्स्ट अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, ठीक है, तो 1974 के अंदर हुई थी। पहला आयन पाकिस्तान का 1956 में आया था, दूसरा आयन पाकिस्तान का 1962 में आया था, और तीसरा आयन पाकिस्तान का 1973 में आया था। तो ये भी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं 25 पे, नेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर, तो पायलट ऑफिसर राशिद मिनास साहब थे, ठीक है। और 26 है द सॉल्टी वाटर हमें मुश्किल लैक इज इन, ठीक है, ये बलूचिस्तान के अंदर है। तो 27 है द बादशाही मस्जिद ऑफ लाहौर बिल्ट बाय औरंगजेब, ठीक है। तो ये 27 सवाल हैं, आप सबको जो है वो इन सवालात का ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान की। तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, ताकि क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत रेयर होते हैं कि आ जाते हैं, लेकिन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम गवर्नमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।